आ जाते हैं।
हाँ सर ए दिया जा फोटो लगता हो कौन सा सर क्रेन वाले पे सर ओके सर टेक आप जितना लाउड हो सकते हो उतना लाउड चिल्लाना है फुल पावर जितना लाउड हो सकते हो उतना लाउड बोलिए जहाँ पर प्रताप को एक्चुअल में रियलाइज़ हो जाता है कि अभी उनकी उनका जाने का टाइम आ गया है तो वो मुझे इमेजिन करते हैं कि अजब दे आई है और मुझे बोल रही कि चलिए अभी आपका समय आ गया है हमें चलना चाहिए तो मैंने वही एक सीन शूट किया है पर हीना और जो बाकी के एक्टर्स हैं उन लोगों ने पूरा प्रताप के साथ जो यू नो उनका डेथ पे बीमार होना या बेड पे लेटना वो सब शूट किया है तो आई एम श्योर इट्स बिन लाइक अ वेरी हैवी डे एंड फॉर मी स्पेशली बिकॉज मेरी तो सारी मेमोरीज आ गई सामने येस इट फील्स बैड दैट यू नो नाउ आई वोंट बी ड्रेस्ड अप एज अजब दे अगेन एंड यू नो महाराणा प्रताप खत्म हो रहा है बट आई एम सैटिस्फाइड आई एम एप्रिशिएटेड विद व्हाटएवर कैरेक्टर आई हैव प्लेड और मुझे खुशी है कि मैंने इस रोल को फुल जस्टिस दिया है और अच्छे से किया मैंने जब सुना कि इस शो में लास्ट एपिसोड में हम लोग महाराणा प्रताप की डेथ दिखा रहे हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था मुझे लगा कि ऐसा एंड क्यों कर रहे हैं ये लोग बट दिखाना ही था नहीं तो शो का एंड भी ज़रूरी था तो हम आज तो बहुत मस्ती के मूड में थे पर जब हम शरद का सीन भी चल रहा था तभी भी मस्ती में ही थे बट हमने उसके आंसू देखे तो हमें लगा कि नहीं ये रियल है सच में रो रहा है ये उसको भी बहुत बुरा लग रहा था तो हम काफ़ी इमोशनल हो गए और अब बुरा लग रहा है काफ़ी लंबी जर्नी रही है आप दोनों हाँ, की और इस शो से हाँ। अब दोनों की बात करें तो इस शो से तो कैसी मेमोरीज लेके जा रही हैं आपको हम दोनों की अगर आप बात करें तो बहुत अच्छी मेमोरीज है क्योंकि हम दोनों के सीन्स भी इतने अच्छे होते थे वेरी स्पॉन्टेनियस हमें कभी रिहर्स करनी ज़्यादा टेक भी नहीं होते हाँ हम समझ जाते थे कि क्या है क्या नहीं है यू नो एंड द बेस्ट पार्ट इज आई एम नॉट मैं खुद की तारीफ नहीं करी बट हम दोनों में मैंने एक चीज़ देखी हम दोनों की आंखें बहुत बात करती तो हम लोग दोनों आंखों में समझ जाते हैं दैट व्हाट वी हैव टू कन्वे हमें क्या करना है ये एक था मेरा हीना के साथ एंड मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में भी यू नो वी बोथ वर्क टुगेदर महाराणा प्रताप की बात करेंगे तो मेरे बहुत मेमोरीज है अब मैं एक एक बताने बैठूंगी तो पूरा दिन ही आप लोग को ये सेगमेंट करना पड़ेगा बट बहुत स्पेशल मेमोरीज है अच्छी मेमोरीज है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूरा जो सेट था बहुत अच्छा था बहुत पॉजिटिव था यहाँ पे हमारा कोई नेगेटिविटी नहीं होती थी कोई झगड़ा नहीं होता था कुछ नहीं सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट दैट वी वुड वर्क विदाउट फाइटिंग विद यू नो एनीथिंग विद द प्रोडक्शन और एक्टर और एनीथिंग सब अपने अपने काम में खुश थे सैटिस्फाइड थे और यू नो
दे वर लाइक यू नो कि हाँ भाई हमें हमारा काम हो रहा है अच्छे से, दैट्स ऑल. आज तो लास्ट दिन है तो कल तो काफी याद आएगी, ये याद आएंगे ये सब सेट जो है. तो एक्चुअली हमने कल के बारे में सोचा ही नहीं, हमें ऐसा है कि ये दिन एंड ही ना हो. हम लोग अभी भी नहीं सोच रहे कि कब पैकअप हो, अभी भी नहीं सोच रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज का दिन हम लोग इंजॉय करें पूरी तरह. तो हमने कल के बारे में तो सोचा ही नहीं है, कल पता चलेगा कि क्या होगा, कि वापस वो कॉल टाइम नहीं मिलेगा, शूट पे आना, वही मेकअप दादा है दीदी सबसे मेकअप करवाना, इतने सुंदर तैयार करते थे वो हमें, तो याद तो बहुत आएगी, बट हमें अभी वो याद नहीं करना, हमें बस इंजॉय करना है आज का दिन. इसके बाद क्या पार्टी का प्लान है कि चलो फाइनली हो गया तो अब कुछ करेंगे पार्टी? आज पार्टी तो नहीं, बट हमने साथ में सबने लंच किया है, केक काटा है, एंड कोशिश है कि पैकअप जल्दी हो जाए और हम साथ में सब बैठे थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाए. बस मैं इतना ही बोल पाऊंगी. गेटअप की बात करें तो काफी आदत सी हो गई थी गेटअप की, तो अब क्या वो मेमोरीज आएंगी कि वापस ऐसा करेंगे हम कहीं मिले ऐसा? हाँ, मैं मिस करूंगी अजब दे का गेटअप, मेरी ज्वेलरी, मेरा रूम, मेरे कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ मिस करूंगी, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कहा, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, सो वन शुड ऑलवेज यू नो एंजॉय जो भी मिलता है लाइफ में, क्योंकि आपको दोबारा शायद ये मौका बार बार ना मिल पाए. और मैं कैमरा में इसलिए नहीं देख रही हूँ, शायद मुझे रोना है, बट हाँ मैं मिस करूंगी आज अब भी. यस ओके, कहीं ना कहीं ऑडियंस को आपकी आदत सी हो गई, तो अब ऑडियंस कहाँ देख पाएंगे आप दोनों को, तो ये क्वेश्चन तो अब पता नहीं यार, फिलहाल तो अजब दे और फूल कवर के रूप में देखे वही होगा, आगे पता नहीं, लेट्स सी. थैंक यू सो मच. फाइनली ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड योर टाइम एंड ऑल योर यू नो द वेल विशेस दैट यू हैव गिवन अस. इसी तरह देते रहिए ताकि हम आगे भी आपको एंटरटेन करें एंड दैट वी डोंट लेट यू डाउन. थैंक यू सो मच, आपने हम सबको पसंद किया और आगे भी हमें पसंद करते रहिए, और हम लोग जितनी मेहनत करते हैं तो आप प्लीज़ हमारा ये शो तो आपने अच्छे से देखा ही, आगे भी जो भी काम करें प्लीज़ हमें देखते रहिए. इतनी ब्यूटीफुल जर्नी फाइनली एंड होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? मिक्स ऑफ इमोशंस. जी डेफिनेटली, आई थिंक इट्स इंडीड बीन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, और सवा साल मतलब किस तरह निकल गया पता ही नहीं चला. बहुत सारे हाई पॉइंट्स थे, लो तो खैर बहुत कम ही थे. वेरी ग्लैड, और आई थिंक ओवरऑल एक बहुत ही ड्रीम जर्नी रही है, एक ड्रीम रन रहा है. सुपर्ब कास्ट, सुपर्ब प्रोडक्शन, सुपर्ब सेट, सुपर्ब कॉस्ट्यूम्स, इट्स बीन अ वेरी लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ शो. तो अच्छा लगता है कि जब इतना ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिले, जब आपको इतना अप्रिशिएट सब लोग करें, चाहे वो आप लोग हों या फैंस हों या अपने लोग हों सेट पर, तो अच्छा लगता है. सो आई थिंक इट्स एक जो कहें ना, एक अध्याय जो है आपके जीवन का वो आज समाप्त होता है, और एक इस आशा के साथ कि एक नया अध्याय शुरू हो, एक नया चैप्टर. हाउ डू एंड अप गेटिंग द रोल इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी एक्चुअली. डेफिनेटली आई थिंक जब मुझे ऑफर किया गया था, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज महाराणा प्रताप इज़ अ वेरी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, और ऐसे रोल्स आपको हर रोज़ ऑफर नहीं किए जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में. तो आई थिंक जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसे ग्रैब कर लिया, और मैंने कहा कि डेफिनेटली चैलेंजिंग था, क्योंकि जो फैजल है उन्होंने मेरा बचपन प्ले किया था, तो वो बहुत ही अच्छा उन्होंने किया था. तो उसके बाद जो है कि उनके हाथों से जो है बागडोर लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज उसने इतना एंटरटेन किया आप सभी को. तो डेफिनेटली जब बचपन इतना अच्छा था, तो जो बड़े होने के बाद लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रताप और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, या ज़्यादा यू नो डैशिंग होगा, या यू नो अच्छा वॉरियर होगा. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो दिमाग में हमेशा थी. वो बात उस स्ट्रेस में मैंने शो साइन किया कि चलो देखेंगे जो होगा अच्छा ही होगा. मुझे याद है पहले 15-20 दिन जब मैं शूट कर रहा था, बहुत गालियाँ मिली मुझे. मुझे इतने लोगों ने कहा यार तुमने मतलब क्यों साइन किया है, तुम क्यों कर रहे हो. मुझे मीडिया ने भी काफ़ी बुरा भला कहा कि यार यू नो ही वॉज नॉट द राइट चॉइस एंड दिस एंड दैट, एंड आई थिंक अपने लोगों ने भी कहा कि यार ये तुमने गलती कर दी. बट आई थिंक आज जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग कहते हैं कि दे कुडंट हैव बीन एनी अदर प्रताप देन यू. एंड जब आज लोग इतने फैंस मिलते हैं, सब कहते हैं कि आज हमने प्रताप को कभी देखा नहीं है, तो हमने आपको देख लिया, मतलब हमने प्रताप को देख लिया. सो अच्छा लगता है कि वो पूरा जो एक ट्रांजिशन हुआ है पीरियड 15 महीनों का,
वो बहुत मैजिकल रहा एक्चुअली मेरे लिए और बहुत कमाल का रहा है. तो आई थिंक इसमें पूरा इसमें इट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द चैनल. पूरी टीम जो है हमारी क्रिएटिव टीम, हमारी पीआर टीम, हमारी प्रोडक्शन टीम, हमारी डायरेक्शन टीम, आई थिंक एवरीबॉडी, तभी एक शो बनता है. आई थिंक दिस इज बीन वन ऑफ द बेस्ट शोज आई हैव एवर सीन ऑन टेलीविजन एंड आई हैव एवर वर्क्ड. सो या और लास्टली आज जो सीन हो रहा है जी, आज का सीन इतना कुछ हैप्पी गो लकी सीन नहीं है. आज का सीन है कि बस लास्ट सीन हम शूट कर रहे हैं और लेकिन मेरी एक डिमांड थी कि मैंने कहा कि लास्ट जो कट होगा 15 महीनों के बाद वो लास्ट कट मेरे पे होगा और लास्ट जो शॉट होगा वो मेरे पे एंड होगा. तो बस आई थिंक वेरी नाइस ऑफ द प्रोडक्शन टीम एंड द डायरेक्शन टीम कि उन्होंने सोचा है और आई थिंक लास्ट जो शॉट होगा इस पूरे शो का जो 2.5 साल का सफ़र जो एंड होगा वो मेरे पर ही होगा. और फाइनली जो मैजिकल वर्ड है पैकअप वो मेरे पर ही आने वाला है. सो हाँ अच्छा लग रहा है एंड इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट. आई थिंक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इमोशंस बाहर ना निकले बिकॉज आई थिंक वो जब निकलेंगे तो रुकते नहीं हैं. तो जी हाँ. और लास्टली अपने सारे फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना साथ दिया है आपको? आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक विदाउट फैंस चाहे वो शो हो चाहे वो एक्टर हो कुछ भी नहीं है. फैंस हैं तो हम हैं, बहुत बहुत क्लियर है इसमें कुछ दो राय नहीं है. फैंस जब इतने आपके शो को पसंद करते हैं यू नो आप में वो कॉन्फिडेंस आता है, आप में वो इंकरेजमेंट आपको इतना इंकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं. जैसे अभी कुछ मेरे दो फैंस आए थे, कितने महीनों से वो पीछे पड़े हुए थे तो उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से वाया 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 करके आज हमारे सेट पर आए और बेचारे 2 मिनट के तो थोड़े शॉक रह गए, उनको मतलब पानी वानी पिलाना पड़ा. तो आई थिंक ऐसे भी लोग मिलते हैं तो आई थिंक इट्स नाइस. और आई थिंक बस ये है, सबका यही सवाल है कि अगला क्या. मुझे खुद नहीं पता अगला क्या. बस कुछ दिनों की छुट्टी लूँगा, घर जाऊँगा, दाढ़ी कटवाऊँगा, मूछ मुंडवाऊँगा, बाल मुंडवाने वाला हूँ और अच्छी जो है मैं एक मसाज के जाऊँगा, एक स्पा में जाऊँगा और कुछ दिनों के लिए मैं गायब हो जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस कैरेक्टर से बाहर निकलना क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत हैवी है और जब तक इससे बाहर नहीं निकलूँगा मैं और कुछ कर नहीं पाऊँगा. तो आई थिंक कुछ समय के लिए डेफिनेटली मैं हाइबरनेट करने वाला हूँ. अगली बार हाइबरनेशन जी नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, शो ख़त्म हो रहा है. आप तो ऐसे बोलेंगे मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी हैवी फीलिंग. या इट्स अ वेरी हैवी फीलिंग. जब मुझे कहा गया कि शो ख़त्म हो रहा है तो मतलब विश्वास नहीं हुआ. एक्चुअली हम सब शॉक में थे क्योंकि शो इतना अच्छा है, शो की फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी है, लोग इतना पसंद करते हैं. अचानक रीज़न क्या था, खैर जो भी रीज़न हो, बट डेफिनेटली हम सब ने बहुत मेहनत की है. आई थिंक इट्स बिन अ लवली एंसेंबल कास्ट, लवली टीम. एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं कि मतलब ड्रीम कमबैक अगर मैं कहूँ तो 3 सालों के बाद, तो आई थिंक इससे अच्छा कमबैक नहीं हो सकता था. सो आई रियली थैंक गॉड. जी देखिए हाँ, ऐसे मौक़ों पे तो आई थिंक ग्लिसरीन ना ही ले तो बेटर है. बट नॉर्मली मैं ग्लिसरीन लेता नहीं हूँ, आज तक मैंने मुश्किल से एक या दो बार लिया होगा. बट नॉर्मली असली के आंसू निकल ही आते हैं. बट आई थिंक स्पेशली आज एक सीन भी इतना कमाल का था कि सब आपके आसपास हैं और आप लास्ट जो है यू टेक योर लास्ट ब्रेथ एंड यू डाई. तो आई थिंक वो बहुत ही इमोशनल सीन था. आई थिंक जितने लोग आसपास खड़े थे सबकी आंखें नम हो गई. कोई कहेगा नहीं, सब बहुत ब्रेव और बहुत माचो बनेंगे, लेकिन जितने भी हमारे सब लड़कियां खड़े हुए थे, जितने भी हमारी कास्ट थी, डेफिनेटली सबकी आंखों में आंसू आ गए. सो या सुपर्ब एंड थैंक यू सो मच. यू गाइस आर वंडरफुल. थैंक यू.